औरंगाबाद में तैयार हो रही अनोखी राखी। औरंगाबाद में बनने वाली राखी भाई को रेडिएशन से रखेगी सुरक्षित। लोहनगरी जमशेदपुर की बेटी कर रही महिलाओं को प्रशिक्षित। देश के हर कोने से हो रही मांग। बिहार के औरंगाबाद जिले के कुटुंबा प्रखंड के चपड़ा गांव स्थित पंचदेव मंदिर में देशी गाय के गोबर से बन रही राखियां अब जिले में ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों की बहनें अपने भाइयों की कलाई में बांध रही। इतना ही नहीं, यहां की राखियां फौजी भाइयों की भी कलाई की शोभा बढ़ाएगी। झारखंड के जमशेदपुर से औरंगाबाद के पंचदेव धाम आई सीमा पांडे ने बताया कि यहां की युवतियों एवं महिलाओं को न सिर्फ गोबर से राखियां बनाना सिखा रही हूं, बल्कि गोबर से दीपक, खिलौने, देवी देवताओं की मूर्तियां, अगरबत्ती, धूप बत्ती, डायबिटीज एवं बीपी मैट, मोबाइल, रेडिएशन प्रोटेक्शन सहित कई प्रकार की सामग्रियां बनाकर अब महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। मंदिर कमेटी द्वारा सभी महिलाओं को उनके काम के आधार पर दैनिक भुगतान किया जाता है। सीमा पांडे ने बताया कि आधुनिकता की होड़ में हम चाइनीज एवं फैंसी राखियों को उपयोग में ला रहे हैं, मगर गाय के गोबर से बनी राखियां न सिर्फ इको फ्रेंडली हैं, बल्कि इसे गमले में डालकर खाद के रूप में भी उपयोग में लाया जा सकता है। इन राखियों में किसी न किसी पौधे के बीज भी समाहित रहते हैं, जो एक पौधा के रूप में पर्यावरण संरक्षण में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। बताया कि 700 राखी का डिमांड बद्रीनाथ से आया है, जहां ये राखियां फौजी भाइयों की कलाइयों में बांधी जाएगी। 500 राखियां पटना के एक चिकित्सक द्वारा डिमांड की गई है, जो महादलित बच्चों के बीच वितरित की जाएगी। ऐसे ही 500 राखियां दिल्ली की एक संस्था द्वारा तथा औरंगाबाद की भी कई संस्थाओं द्वारा डिमांड की गई है। लगभग 3,00,000 राखियों के बनने का कार्य जोर शोर से चल रहा है। बताया गया कि गोबर के कंडे से अग्निहोत्र बनाया जाता है, जिसकी राख कई प्रकार की बीमारियों को भी दूर करने में सहायक होता है। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए औरंगाबाद से दीनानाथ मवार की रिपोर्ट। एक गाय माता के गोबर से यहाँ राखियाँ बांध रही हैं। ये दुकान में ये मोती का जो राखी है वो मतलब कि बहुत पहले था, लेकिन अभी चल रहा है, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन ये गोबर का जो बन रहा है इसका बहुत महत्वपूर्ण बहुत बहुत क्या है, और ये हम लोग का बहुत अच्छा लग रहा है। ये सीमा दीदी जो हमारी हैं ये पंचदेव धाम में ये ट्रेनिंग देती हैं, ये सब ट्रेनिंग सीख करके हमने ये सब बहुत बना रही हूँ। हम लोग को रोज़गार भी मिल गया है, ये सब पहले हम लोग को रोज़गार नहीं था, लेकिन हम लोग को रोज़गार मिल गया। हम लोग को पर डे 200 रुपया मिल जाता है, इसी से हम लोग घर परिवार चला लेते हैं। और यहाँ पर राखियाँ बनाती हूँ मैं, बहुत अच्छा लग रहा है ये पंचदेव धाम चपरा में। और बिहार में बिहार औरंगाबाद में श्री श्री पंचदेव धाम एक मंदिर है और आश्रम है, बहुत कुछ है, गौशाला है, एक ट्रस्ट है, बहुत बड़ा ट्रस्ट है। तो यहाँ पर जब मुझे गौरक्षा विभाग के द्वारा बुलाया गया यहाँ देखने के लिए कि हाँ यहाँ पर आइए, थोड़ा महिलाएं बहुत सारी हैं, इन लोगों को ट्रेनिंग भी दीजिए और यहाँ पर देखिए कैसे कैसे क्या कार्य हो सकता है। तो मैं आके यहाँ पर देखी तो मुझे दिखा कि हाँ यहाँ पर तो बहुत सारी गौ माताएँ हैं जिन जो कि कटने जा रही हैं, उनको पकड़ के लाया जा रहा है। तो उन गौ माता तो दूध नहीं दे सकती हैं, तो हम बोले कि इन लोगों के लिए रोज़गार की भी ज़रूरत है, गौ माताओं के लिए भी, महिलाओं के लिए भी। तो फिर मैं वहाँ से आके जमशेदपुर में हमारा कार्य चलता था, फिर मैं वहाँ से आई और यहाँ रही। यहाँ पर मुझे यहाँ के जो संस्थापक हैं अशोक सिंह जी, उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ समय दे सकती तो महिलाओं के लिए भी रोज़गार हो जाएगा एक खड़ा। तो हम बोले ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर रह के महिलाओं को गौ माता के गोबर से प्रोडक्ट बनाना सिखाती हूँ, जिससे कि महिलाओं को भी रोज़गार मिला है और गौ माता के लिए भी एक अपना ये गौ माता भी खुद से खड़ी हो गई है, समझिए। तो और गौ माता के गोबर से बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, जैसे अभी रक्षाबंधन का समय है तो यहाँ राखियाँ बन रही हैं, और दिवाली के समय में दिया, मूर्तियाँ, ये सब बनती हैं, घर को सजाने का सामान, एंटी रेडिएशन चिप, बीपी का चटाई, जिसमें कि बीपी और शुगर वाले अगर पैर रख के बैठ रहे हैं तो उनका बीपी सही रहता है, कंट्रोल में रहता है, शुगर कंट्रोल में रहता है। उसका आपका घर पे सजाने का सामान है, शुभ लाभ है, दिवाली के समय में जितना भी होता है लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां हैं, शुभ लाभ है, और भी जो भी डेकोरेटेड आइटम है वो सारा चीज़ बन रहा है। माला बन रहा, 108 मनके का माला बन रहा, जो आप गले में पहन के रख रहे हैं तो आपका एनर्जी पावर बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद आपका 27 मनके का माला जाप माला बनता है, जिससे कि अगर गोबर का माला आप जाप रहे हैं तो उससे भी आपका मन शांत रहता है। उसके बाद और हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है कि अग्निहोत्र होता है, जो कि सुबह और शाम होता है, देसी गौ माता के गोबर के कंडे से बन होता है। कंडा
महिलाएं बनाती हैं, और उससे जो अग्निहोत्र होता है उस अग्निहोत्र का जो भस्म है वो बहुत सारी बीमारियों को सही करने में काम आता है। कोरोना काल में मैं भी बहुत सारे लोगों को बिना सिलेंडर का सही की सिर्फ अग्निहोत्र भस्म से, और ये सब प्रेरणा मुझे राजीव भाई दीक्षित जी के विचारों को सुनकर उनको समझकर मुझे मिली, और उससे मैं ये सब काम चालू की और उससे ही आगे सारा चीज होता गया काम। जब फिलहाल आप राखी बना रही हैं जी, क्या ऑर्डर वगैरह भी मिल रही है? जी हाँ, मुझे बहुत ऑर्डर आ रहा है। जो लोग समझ रहे हैं कि हाँ ये क्या चीज़ है, गौ माता का गोबर का जो राखी है वो बहुत गुण है। चाइना का राखी जो है आप लोग सब जान ही रहे हैं, मार्केट में अधिकतर चाइना ही राखी आ रहा है, मोती है और बस ऐसे सजाने का है और कुछ नहीं है उसमें, और इसमें बहुत कुछ गुण है। तो मुझे जैसे बद्रीनाथ वहाँ से ऑर्डर आया है, जहाँ की आर्मी वालों के पास जाएगा, पुलिस वालों के पास जाएगा, और उसके बाद 500 राखी का वहाँ से ऑर्डर आया, 100 राखी का दिल्ली से ऑर्डर आया है, पटना से ऑर्डर आया। पटना में एक डॉक्टर साहब है, वो ब्लाइंड लोगों पे काम करते हैं, उनका डिमांड है कि आप यहाँ पर भेजिए, यहाँ पर हम लोगों को गिफ्ट करेंगे। अधिकतर लोग बहुत सारे गिफ्ट करने के लिए भी ले रहे हैं, क्योंकि इसका महत्व भी बहुत सारे लोग समझने लगे हैं। जैसे ये गोबर का बना हुआ राखी है, ये आपका क्या है कि जब तक आप हाथ में कलाई में बांधे हैं तब तक तो आपको रेडिएशन से बचा रहा है, उसके बाद जब आपको इसको हटाना भी है तो आप इसको खोल के कोई भी गमले में डाल दे रहे हैं, तो एक खाद का भी काम करेगा, इसमें जो बीज पड़ा है उससे एक पौधा जो उत्पन्न होगा वो आपको याद दिलाएगा कि आपकी बहन का, हाँ कि इस समय बहन ने ये राखी बांधी थी, इससे ये पौधा हो गया है। सबसे कम का राखी क्या है और अधिक कितना जी? 20 रुपये से स्टार्ट है हमारे यहाँ राखी। सबसे अधिक कितना? 60 रुपये तक है, मार्केट से सस्ता भी है और अच्छा भी है।